आइए 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 आइए। अरे आइए आइए, नमस्कार। आइए हमारे गरीब खाने पर। जीते रहो। आइए आइए आइए। ये गरीब खाना नया नहीं है, समझिए हमारे लिए। और ईश्वर इस तरह का गरीब खाना सबको दे। विराजमान बैठ बैठ बैठ। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमको सालों से इंतजार था। क्यों? हमारे घर की इमारत है कहा? हाँ हाँ, वो तैयार हो रही है। ये तो बताइए कि आप लोग क्या लेंगे? पानी पिला दीजिए। जी जी, वो तो बिल्कुल तो मिलेगा ही। पानी के साथ और क्या मिलाओ? जाओ जी, जी, जा कर। और सुनाई, आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुई? दीदी, ये रंग को जच नहीं रहा है मुझ पर। बहुत जच रहा है, देखना जयदेव तुम्हें देखते ही चक्कर खाकर गिर जाएगा। पर मुझे लगता है कि साज सवरना कुछ ज्यादा ही हो गया। तो बस चुप कर, यही तो समय है साज श्रृंगार का। अरे रेनू, अरे बिटिया, और कितना टाइम लगाएगी? तेरे ससुर जी इंतजार कर रहे हैं तुझे लेके जाने के लिए। हाँ माई, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, जरा हम भी तो देखें अपनी बिटिया रानी को। देख लो अपनी राजकुमारी को। अरे वाह, कहीं नजर न लग जाए हमारी बिटिया रानी को। अब जल्दी से तुम दोनों बाहर आओ। हाँ, ठंडा नाश्ता दे दी। मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी सर। ये एक गिलास सादा पानी पिलाएंगे? अभी लाता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। यकी जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लेकिन अकेले में। क्या बात है शरण बाबू, हमसे कोनो गलती? अरे नहीं, बस आप चलिए ना बाबा, चलिए उस कमरे में। आइए भाभी, अंदर आने दीजिए ना। अंदर आने के लिए इतने उतावले क्या हो रहे देवर जी? विदा करा के तो ले ही जा रहे हैं ना घर, फिर जितना मन करेगा निहारते रहिएगा। अरे भाभी, रेणुका पत्नी है हमारी, हमारा हक बनता है उसे देखने का। कहाँ है वो? देखिए, हक का जोर यहाँ नहीं चलेगा। चलिए निकलिए यहाँ से। देखिए भाभी, आप हमारे साथ अन्याय कर रही हैं। पति पत्नी के बीच में काहे दीवार बन रही है, मिलने दीजिए। दीवार नहीं, पहरेदार। और ये पहरेदार ने किया दरवाजा बंद। अरे भाभी भाभी, दरवाजा तो खोलो। भाभी दरवाजा खोलो। भैया आप यहाँ पर भी पीकर आए हैं? खा करें, आज मौका ही कुछ ऐसा, हम सोचे थोड़ा पी लिया जाए। चलिए अब संभल के। बता, बहुत खुश है, बहुत दिनों से इंतजार था इस दिन का। अब हमारा मन भी वहाँ लगा रहेगा, हम दोनों मिलकर उस घर पर राज करेंगे। दीदी, दो बहना देवरानी जेठानी बनके राज करेगी, ये बोलो। दीदी, ये हाथ कैसे जल गया? वो खाना बनाते समय जल गया। आप खुश तो है ना माँ? हाँ पागल, हम बहुत खुश हैं। बस तुम्हारी बहुत याद आती है। हमको भी तुम्हारी बहुत याद आती है दीदी, विश्वास नहीं होता ये 5 साल कैसे गुजर गए। हाँ बिल्कुल, क्या दिन था वो, हम दोनों की शादी एक ही दिन हुई, हमारी विदाई हो गई, पर तुम्हारी विदाई गौना के नाम पर रोक दी गई। काश काश कि तुम्हारी विदाई भी हो जाती, कितना अच्छा होता। अरे दीदी, तब तो हम बहुत छोटे थे और हमको ये भी तो देखना था कि अगर वो घर हमारे लायक है भी कि नहीं, और अगर नहीं भी है तो अभी तक तो आपने उसे हमारे मुताबिक तो बना ही दिया होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अब बाकी बातें अपने घर में करेंगे। जयदेव, रामदेव,
अर्चना बाबू चलो, हमें अभी के अभी इस घर से निकलना, चलो। क्या हुआ पापा? अरे हद होता है किसी बात का, अब बर्दाश्त नहीं होता हमसे। बहुत बड़ा धोखेबाज है ये आदमी। ऐसा मत कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तो हमें कुछ नहीं सुनना बस। अब हमको यहाँ से जाना, चलो चलो। पापा जी ये तो बताइए कि बात क्या हुई है? हमने कहा ना, हमें कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हम इस घटिया आदमी के घर में आप एक मिनट भी नहीं रुके। चलो चलो यहाँ से। देखिए सुनिए सुनिए, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए आज रेणुका की विदाई है, आज आप उसे अपने घर ले जाने वाले हैं, ऐसा मत कीजिए। अरे आप अपनी बेटी को अपने घर में रखिए जब तक आपका दिमाग नहीं ठिकाने आ जाता। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए, सब अनर्थ हो जाएगा। चरण बाबू देखिए हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी बेटी आगे जिंदगी खराब हो जाएगा। चलो यहाँ से, चलो बाबू। बाबू सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे जल्दी बेटा रेणुका को ले जाओ बेटा, सुनो मेरी। चरण बाबू बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में बेटी की विदाई का खुशनुमा माहौल अचानक से भारी हंगामे के बाद गमगीन हो गया। दरअसल जिस घर में यह सब कुछ हुआ उस घर की दो बेटियां रेणुका और अर्चना की शादी एक ही घर में 5 साल पहले हुई थी। 5 साल के बाद छोटी बेटी की विदाई का समारोह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक लड़के के पिता चरणदास किसी बात को लेकर बेहद खफा हो गए। इतने खफा कि उन्होंने रेणुका को अपने साथ ले जाने तक से इनकार कर दिया। पर क्यों? आखिर उनके और रेणुका के पिता हरिओम त्यागी के बीच ऐसी क्या बात हुई कि वो एकदम से बिफर पड़े? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, आखिर ऐसी क्या गलतफहमी हुई कि खुशी का माहौल अचानक से गम के आंसू में बदल गया। रेणुका बेटे, बाबूजी, रेणु बेटे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? बेटे दरअसल वो चरण बाबू तुम्हें यहां से विदा करने से पहले हमारे सामने एक शर्त रखे। उन्होंने मुझसे 6 लाख रुपए का मांग की बेटे, दहेज के नाम। अब तो हमें अर्चना की भी चिंता हो रही है। उन्होंने जाते समय हमें धमकी दिया, कहे कि अगर पैसा न दिए तो वो अर्चना को भी यहाँ वापस भेज देंगे। बाबूजी, अगर दहेज लेना जुर्म है तो दहेज देना भी जुर्म है। हमें अभी इसी वक्त जाकर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। ना बेटे ना, ये तो हम भी जानते हैं, पर अब इस चीज को बढ़ावा देने से क्या फायदा बेटे? ऐसे तो बात बढ़ेगी और समाज में हमारी बदनामी होगी, हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे बेटे। आखिर वो भी तो हमारे संगी हैं और हमें पूरा विश्वास है जल्द ही उनको अपने गलती का एहसास हो जाएगा और देखना वो तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ अपने घर वापस ले जाएंगे। बेटे तुम्हारा हक है ना? जी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इतने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा? पैसे ही ना देने पड़ेंगे, दे देंगे बेटे। हमारे सामने हमारे बच्चों की खुशी के आगे कोई भी चीज कीमती नहीं है बेटे। पैसे क्या है, कुछ नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। ठीक है जयदेव से बात करते हैं। क्या बकवास कर रही हो रेणुका? मेरे पापा भला पैसे क्यों मांगेंगे? उल्टा तुम्हारे पापा ने हमसे पैसे मांगे। कभी सुना है किसी लड़की वाले को पैसे मांगते हुए? आपने ये गलत इल्जाम हमारे पापा पे लगा कैसे लिया?
और किसने कहा आपसे कि हमारे पापा ने आपसे पैसे मांगे? हमारे पापा ने कहा है हमसे। आपके पापा ने कहा और बिना सोचे समझे आपने मान लिया? तुम भी तो यहाँ बिना सोचे समझे मुझसे सवाल कर रही हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ? जाओ निकलो, निकलो यहाँ से फौरन। जाओ। पापा सही कह रहे हैं, तुम चली जाओ यहाँ से। सच क्या था किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पक्ष बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। डाउरी यानी दहेज हमारे समाज की एक पुरानी समस्या रही है, पर यह दहेज मांग कौन रहा था? अक्सर ऐसी मांगे वर पक्ष की ओर से होती रही हैं, लेकिन यहां जो आरोप चरणदास लगा रहे थे वो बेहद चौंकाने वाला था। उनकी माने तो रेणुका के पिता ने उनसे दहेज की मांग की थी, और ये बेहद आश्चर्य करने वाली बात थी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि लड़की वाले दहेज की मांग करें। ऐसे में कौन सच बोल रहा था? इसी उलझन के बीच इस मामले ने एक और नया मोड़ ले लिया। भाभी आपने मेरी कैब देखी है क्या? मिल नहीं रही। मैं अभी लाती हूं। आप अभी तक यहीं हैं? काम पर नहीं गए क्या? तुम हमारी छोड़ो और ये बताओ कुछ पैसा वैसा बचा के रखी हो? हमें बहुत जरूरी काम है। आप अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलना काहे नहीं छोड़ देते? और वैसे भी घर की स्थिति अब अच्छी नहीं रही। देखो हम तुमसे पैसा मांगने को आए हैं, तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आए हम यहाँ। देखिए भाभी आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ बस आप बाबूजी की बात जरूर याद रखिएगा, आप घर छोड़ के मत जाइए। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। अर्चना कहाँ मर गई तुम? हाँ आई। पैसा हमको जल्द से जल्द चाहिए, अब बहुत देर हो चुका है। देखिए हमें थोड़ा दिन का मोहलत दीजिए, हमारा विश्वास कीजिए, व्यवस्था हम कर लिए थे, लेकिन वो बीच में अचानक कुछ गड़बड़ हो गया। बस कुछ दिन का मोहलत दीजिए, पक्का इंतजाम हो जाए। पापा को पैसे की जरूरत थी, कहीं सही में उन्होंने दहेज तो नहीं मांगा था? और मैंने रेणुका के साथ गलत व्यवहार किया। इनू आज देर हो गई आज। हाँ। अरे कहाँ रह गई थी तुम? हाँ हम कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, अब तक कहाँ थी? मुझे बच्चों को पढ़ाने में देर हो गई, पर क्या बात है और ये पैसे किस लिए? अरे इसीलिए तो, देखो ये पैसा 1,00,000 रुपया है। अब ये पैसा हम तत्काल जाके चरण बाबू के हाथ में दे देंगे, अब फिर उनसे बाकी के पैसे किस्तों में देने का भी बात कर लूंगा, ठीक है ना? बाबूजी ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा तुम नहीं समझती, देखो हमरे लिए हमारा परिवार सबसे पहले है। बाबूजी लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हैं? देखो बेटा हमको अर्चना का भी तो चिंता है ना, हम देखते हैं। अरे अर्चना, अरे सुशीला, अर्चना, अरे रेणुका जल्दी आओ, देखो कहाँ हो गया, अरे कहाँ हो गया, उठाओ उसे। मुझे लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से ये बेहोशी की हालत से बाहर नहीं आ रही है। मैंने इंजेक्शन तो लगा दिए पर इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना ही सही रहेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, देखिए इनका पूरा इलाज घर पे ही होने दीजिए, हम सारे इंतजाम कर देंगे डॉक्टर साहब। ठीक है मैं कुछ दवाइयां लिख दे रहा हूँ, इसे मंगवा दीजिए, ये लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब आइए हम आपको छोड़ देते हैं। जी जी देखो ना कहाँ हो गया हमारी बिटिया को, क्या हाल किया,
बाबूजी, देखा आपने उन लोगों ने क्या हाल बना दिया है दीदी का, और आप तो उन्हें पैसे देने निकले थे ना, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि चलते हैं पुलिस स्टेशन और कंप्लेन करते हैं, लेकिन आपने कितनी देर कर दी कि जान पर बन आई है। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं बाबूजी? चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस को बताते हैं उन लोगों ने क्या किया है दीदी के साथ। तुम सही कह रही हो बेटी। तुम लोग पीछे के दरवाजे पे जाओ, कहीं वो वहां से ना भाग जाए। तुम मेरे साथ आओ। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है, लगता है घर में कोई नहीं है। तुम लोग उधर जाके देखो। सर घर में कोई नहीं है, हम पूरा चेक कर लिया हूँ। लगता है सब फरार हो गए। इन मुजरिमों को पुलिस की गंध बहुत जल्दी लग जाती है। दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है, मतलब कि अर्चना को इन लोगों ने कहीं बंद करके रखा होगा और उसने भागने की कोशिश की होगी। इस चरणदास को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो ये कहीं दूर निकल जाएगा। चलो। आप रेणुका हमारी बात तो सुनिए, हम उस दिन के लिए माफी चाहते हैं। तुम हमारे घर पर आई और हमने गलत तरीके से व्यवहार किया। तुम सही ही थी, हमारे पापा ने ही पैसे मांगे होंगे। मैंने पापा को किसी आदमी से पैसे की दिक्कत के बारे में बात करते हुए सुना, उन्हें किसी को पैसे देने हैं। विश्वास नहीं होता कि पापा ने भाभी के साथ ये सब किया होगा। आप घर पे रहते ही कितने दिन हो कि आपको सब कुछ पता चलेगा, और फिर जब उन्होंने इतना सब कुछ किया है तो फिर उसके बाद भागने की क्या जरूरत थी? भाग रहे हैं? मतलब तुमसे किसने कहा कि वो भाग रहे हैं? पुलिस। पुलिस ने? ये घर के मामले में पुलिस का? ओह, तो तुम लोगों ने पिताजी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की है? इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने कोई चारा नहीं छोड़ा हमारे लिए। मेरे पापा ने भाभी के साथ ऐसा नहीं किया होगा। मेरे पापा गायब हैं। लेकिन हमें अंदाजा है कि वो कहाँ होंगे। शायद सबलपुर में। वो वहाँ अक्सर जाया करते थे, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। ये जो गलत फहमी हुई है उसको दूर करने के लिए हम पुलिस की मदद करेंगे। जयदेव की मदद से उसके पिता को सबलपुर से गिरफ्तार कर दानापुर लाया जाता है। पुलिस के हिसाब से ये दहेज और प्रताड़ना का मामला था। चरणदास को रुपयों की जरूरत थी जो उसने त्यागी से मांगे, और नहीं देने पर उसकी बेटी अर्चना को प्रताड़ित कर उसके घर से निकाल दिया और खुद भी पुलिस से बचने के लिए गायब हो गए। पुलिस के हिसाब से ये केस बिल्कुल साफ था, लेकिन चरणदास अपना जुर्म कबूल करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर क्यों? डॉक्टर साहब, हमने किसी से दहेज का मांग नहीं किया और ना ही अपनी बहू को प्रताड़ित किया है। आप चाहे तो खुद अर्चना से पूछ लीजिए। यही तो, कैसे पूछ लें? उसको तो इतना ज्यादा ना टॉर्चर कर दिया है कि बेचारी अभी तक बेहोश है। क्या तय किया है कि मतलब कब तक झूठ बोलना, उसके बाद कुछ पूछे फिर? हम झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अच्छा, ये बात भी सही नहीं है कि तुमको किसी को पैसे देने थे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमको किसी को पैसा नहीं देना है। तुम्हारे ही बेटे का स्टेटमेंट है कि आपको किसी को पैसे देने थे, आप फिर भी झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, हमको किसी को पैसे नहीं देने, और ना ही हमने त्यागी से पैसा मांगा। उल्टे त्यागी ने हमसे पैसा मांगा कि वो अपनी छोटी बेटी को उसके बदले में विदा करे। अरे भगवान, कितना झूठ बोलते हो। पता है दुनिया हंसेगी तुम्हारे ऊपर, और शायद अंदाजा नहीं है कि क्या बक रहे हो। ये तो पता है ना कि दहेज लेने और बहू को प्रताड़ित करने के जुर्म में यहाँ पर हो। सच बोलो, कोऑपरेट करो, समझे? और जाओगे लंबे समय के लिए भीतर। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि कल को बेल हो जाएगी, तो उसको निकालो और फेंको बाहर तुरंत। बिल्कुल सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये लाभ के देवता हैं, ये बात से तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। चलिए इसी से समझाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अर्चना, क्या हो गया दीदी आपको? अर्चना, क्या हो गया? अरे रेनु, तने पानी तो लेकर आओ। बस बस बेटा, बस बस।
क्या हुआ? अरे ये कहाँ? तुम लोगों ने ही दवाई दी थी कहाँ? हम भूल गए। भूल गए? अरे कहाँ करती हो तुम लोग भी? समझ में नहीं आता है। बस 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 पर हम कहा कर गए थे कि इसे समय समय पर दवाई देते रहिएगा और अगर दवाई खत्म हो जाए तो हमें कह दीजिएगा, हम फिर से दवाई भेज देंगे। कहे थे कि नहीं? और तुम लोग होके बस बैठे हो। आगे से याद रखेंगे। आगे से याद रखेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमें पिताजी से मिलना है। कौन है तुम्हारे पिताजी? जी चरणदास जी। ना उनसे मिलने की परमिशन हम आपको नहीं दे सकते। सर देखिए, मेरा उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करने का कोई फायदा नहीं है तो क्या बात करोगे? तुम्हारे पिताजी बहुत जिद्दी आदमी हैं, वो सच बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उनको पता नहीं है कि पुलिस सच कैसे उगलवाती है। आप एक काम करिए, घर जाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा उनसे क्या कहा मैंने? घर जाइए। लेकिन मैं यहाँ। बाहर घर जाइए। अरे जयदेव जी। पापा। जयदेव, हम कुछ नहीं किए बेटा, कुछ नहीं किए। हमको यहाँ से जल्दी निकालो, जल्दी। अरे ज्यादा चिल्लाओगे तो मुंह पे टेप चिपका देंगे। कुछ नहीं किए बेटा। पापा को बहुत परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि उनका कोई गलती नहीं। आपने खुद ने सुना था ना कि उनको किसी को पैसे देने थे, तो फिर वो क्यों नहीं मान रहे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा रेणुका। हमें केवल इतना मालूम है कि पापा किसी जरूरी काम से सबलपुर जाया करते थे, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। शायद वहाँ जाके हमें सच का पता चल जाए कि वो वहाँ क्यों जाते थे। आपके पिता अक्सर आते थे यहाँ मुझे पैसे देने के लिए। पैसे उन पापों के बदले जो आपके बड़े भाई ने किए थे। मैं रामदेव से प्यार करती थी, उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो तो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है। पहले से ही शादीशुदा है, मैंने उसे धमकी दी कि सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। लेकिन आपके पिताजी अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बेटे के किए हुए पापों का प्रायश्चित करने की बात कही और मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। तो मैंने उनसे 7 लाख रुपए मांगे। रामदेव के सारे पाप भूल जाने के लिए, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर उन्होंने मुझे जल्द से जल्द पैसे नहीं दिए तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी सबको। इसीलिए पापा को पैसे की इतनी जरूरत थी। बदनामी के डर के कारण किसी से कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है वो। जब दीदी को ये सब पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? देखो तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब ठीक करके ही दम लूंगा। भैया पहले ऐसे थे लेकिन अब ऐसे नहीं है। बस उनके पिछले दिनों का पाप धो रहे हैं हम। लेकिन अभी सबसे जरूरी हमको पुलिस को ये बताना है कि पापा को पैसे की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। हमें दीदी के लिए दवा लेना है ना? हाँ। ये सारी दवाइयाँ चाहिए। जी मैम। ₹300 हुए। एक मिनट मैम। सर क्या हुआ? ये दवाई दे सकते हैं सर? आपको ये दवाई क्यों चाहिए? मेरी दीदी के लिए। पर क्या आप जानती हैं ये किस चीज की दवा है? जयदेव और रेणुका की तहकीकात में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस खुलासे से ये तो जाहिर हो गया कि पुलिस के गिरफ्त में आए जयदेव के पिता को रुपयों की जरूरत थी। तो क्या उन्हीं रुपयों के लिए चरणदास ने दहेज की मांग की थी? क्या वो दहेज की रकम लेकर अपने परिवार को बदनामी से बचाना चाहते थे? इस खुलासे का इशारा तो इसी और था, लेकिन लाल रंग की दवा की बॉटल
मामले को कुछ अलग ही रंग दे रही थी। आखिर दवा की उस लाल बॉटल में साजिश का कौन सा रंग मिला था? कोई जरूरत नहीं है। अर्चना, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटियां ठीक हो गई। देखना, अब सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल पहले जैसा। दवाई की बोतल फोड़ दी? कहे दवाई नहीं, जहर। अरे ये सब कहाँ है? दिया कहाँ कर रही है? कहाँ है ये सब कुछ? आइए आइए चरणदास जी, बैठिए। तो आप अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हैं? पक्का? बोलिए। हमने दहेज मांगा था इंस्पेक्टर साहब, और वो हमारा बहुत बड़ा गलती था इंस्पेक्टर साहब, उसके लिए आपको माफ कर दो, हम माफी मांगते हैं उसके लिए, और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इंस्पेक्टर साहब। बस बस, ताकि वो बुला के लाओ। बैठिए, हमारा बात ध्यान से सुनिएगा। चरणदास जी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि इन्होंने आपसे पैसे मांगे थे, लेकिन अब ये आपसे कभी पैसों की बात भी नहीं करेंगे, और साथ में आपकी बेटी को इज्जत के साथ अपने घर भी लेके जाएंगे, लेकिन ये सब होगा तब जब आप ये अपना केस वापस ले लेंगे। अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो हमको कोनो प्रॉब्लम ना है, पर हमें इनसे जरा अकेले में बात करना है इंस्पेक्टर साहब, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल। जल्दी चलिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हम अपना केस वापस लेने को तैयार। चरण बाबू को अपने गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमसे कभी दहेज की मांग नहीं करेंगे, और हमारी बिटिया को भी अपने घर वापस ले जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आज आपके वजह से हमारी बिटिया का घर बर्बाद होने से बच गया इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, अब हमें आप कह दीजिए, एक खुशखबरी हमको घर में भी तो सुनाना है। यही रुकिए, ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ क्या हुआ? ये देखिए।
नहीं सर। तो फाइल रखा था, फाइल कहाँ गया? अरे सुनती हो ए अर्चना की माँ, अरे सुनती हो? क्या हुआ? अरे ये सब कहाँ है, कौन किया ये सब? ये सब तो रेणुका की है। पर काहे ये सब करके क्या जरूरत रहे? अरे कहाँ है वो रेणुका? हमका नहीं पता। अरे हम यहाँ पे एक तो फाइल रखे हैं, यहाँ वो फाइल कहाँ है? हम कहाँ जाने? देखो अब दरवाजे पे कौन आया, देखो। तुम क्या सोचती हो अपने आप को? ये सब क्या किया हो? आपको ये सवाल करने का कोई हक नहीं है हमसे। काहे कि आप हमारे बाबूजी नहीं है, दलाल है आप, दलाल। अपने ही फायदे के लिए अपनी ही बेटी को दांव पर लगा सकते हैं आप। बेटी बिचवा है आप। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? बहुत जरूरी काम था, थाने में चरणदास ने बयान ही बदल दिया है और तुम्हारी साजिश में भी शामिल होने से मुकर गया वो। अब क्या करोगे? ये सब क्या कह रहे हैं आप? क्या हो रहा है यहाँ? दीदी आप खड़े क्यों हैं? आइए। दीदी को होश में देखकर आप दंग रह गए। काहे इसे बेहोश रखने में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक आप चाहे। क्या हो रहा है सब? और तुम बाबूजी से इस तरह काहे बात कर रही है? हम बताते हैं तुमको, तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे ससुर, जो दहेज लेकर तुम्हें मारे और फिर इसी दरवाजे पर फेंक कर जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम्हें बताओ सच क्या है? उस दिन तो हम घर में अकेले थे। कौन कौन बोल क्यों नहीं है? हमारे ससुर जी तो हमको बहुत मानते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं हमसे। बिल्कुल सही। और ये सब कुछ तुम हम सबको आकर बताना दो, इसीलिए हमारे पूजनीय पिताजी ने तुम्हें बेहोश रखा। अरे कहाँ कहे जा रही हो? हाँ काहे सच कड़वा लगा? आपने इसको जो दवा देकर बेहोश रखा वो ये दवाई है ना? ये दवाई नहीं है, नशा है, जो मरीजों को दिया जाता है जब उन्हें सुलाए रखना हो। हम ये नहीं जानते कि ये दवाई आपने कहां से खरीदी, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि इसे सुलाए रखने के लिए आपने इसी दवाई का इस्तेमाल किया। आज तुम होश में क्यों? काहे कि हमने तुमको ये दवाई नहीं दी, काहे कि हम इस दवाई का सच जान चुके थे। संजोग से हम ये दवाई खरीदने बाजार गए थे, जहां हमको मालूम पड़ा ये दवाई पर तो प्रतिबंध है, और गलती से ही सही सही सच हमारे सामने आ गया, वरना ये अपना गंदा साजिश में तो कामयाब हो गए थे। और ये जो हमारे बाबूजी जो हमारे सामने खड़े हैं ना, वो अपनी बेटी को ही बेचकर सपनों का घर खरीदना चाहते थे। और ये है इनके गंदे साजिश का सबूत, उस घर के रजिस्ट्रेशन पेपर। सिर्फ एक नजर पड़ी थी हमारी आप पर, जिस दिन आप 1,00,000 रुपए लेकर दहेज देने जाने का नाटक कर रहे थे। ये पैसा
1,00,000 रुपया है। अब ये पैसा हम तत्काल जाके चरण बाबू के हाथ में दे देंगे और फिर उनसे बाकी के पैसे किस्तों में देने का भी बात कर लूंगा। दरअसल वो दहेज नहीं देने जा रहे थे, उस घर का डाउन पेमेंट दे रहे थे। आज तो बात देखो भाई, हमको तो वही घर खरीदना है, 1,00,000 रुपया डाउन पेमेंट को भी हम तैयार हैं। वैसे प्लान तो आपका बिल्कुल सही था। पहले आपने आपकी खुद की बेटी का अपहरण करवाया और फिर इल्जाम ससुर जी पर डाल दिया और फिर अपने ही आदमियों से कहा कि अपनी बेटी को दरवाजे पर छोड़ दे और उसे नशा दे दे ताकि वो हमें आकर सब कुछ नहीं बता सके और फिर यहाँ आप उसे नशा दे देंगे। तुम लोगों ने ही दवाई दी थी कहाँ? डॉक्टर साहब ने भी तो हिदायत दी थी ना कि इसे समय समय पर दवाई देते रहिएगा। तब तक जब तक आपको जयदेव के पापा से पैसे नहीं मिल जाते। उस दिन आप हमसे नाराज हुए काहे कि हम घर देर से लौटे। दरअसल हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आप चाह रहे थे कि सब कुछ हमारे सामने हो और हमारे दिल में उस घर के लिए नफरत भर जाए। जयदेव के पापा से आपने पैसे मांगे, जब आपको पैसे नहीं मिले तो आपने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने की धमकी दी उन्हें, जब तब भी नहीं माने तो आपने उन्हें उसी केस में फंसा दिया। आप जैसे लोग कानून का गलत फायदा उठाते, खेलते हैं कानून के साथ, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि कानून अंधा होता है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन पर विश्वास मत कीजिए। देखिए, ये सब हमारे खिलाफ साजिश है। उच्चरण बाबू ने इसको पैसा खिला के हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। अरे, हमारे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? बताइए, नहीं है ना? अरे, हम बिल्कुल निर्दोष है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। गले को आराम दीजिए, थोड़ा बहुत सबूत हमारे पास भी है। उस दिन थाने में चरण बाबू से जो बात कर रहे थे वो बात हमने रिकॉर्ड कर ली। सुनिएगा। सुन। हाँ तो चरण बाबू, आपका आकर ठिकाने लग गया ना? अब 6,00,000 रुपया हमको जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दीजिएगा, तबे जाके हम केस कोर्ट से वापस लेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, पहले हमको पैसा चाहिए, पैसा। नहीं तो आप तब तक समझ ही गए होंगे कि 6,00,000 रुपया भारी है। ये आपके दहेज उत्पीड़न का केस, समझ गए ना? जल्दी से आप अपना पैसे का इंतजाम कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। हमने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी। हमको ना पहले से ही लग रहा था कि चरणदास मुजरिम है ही नहीं, लेकिन क्या करते, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब रेणुका हमारे पास आई तब सारी बात साफ हो गई थी। कुछ कहिएगा। आपने ऐसा काहे किया बाबूजी? पैसों के लिए? हाँ दी, बस कुछ ही पैसों के लिए। इनका सपनों का घर ज्यादा कीमती है अपने परिवार के खुशियों से, इनका स्वार्थ ज्यादा कीमती है अपने बेटियों से, और इनके संबंधी की प्रतिष्ठा। चल, जेल में चक्की पीसते पीसते इस बात की तो तसल्ली रहेगी कि तुम्हारी बेटी बहुत ही समझदार और होशियार है, और तुम इसके बाप हो। ले चलो इसको। बेटा आओ। हरिओम त्यागी को अपनी बेटी को किडनैप करने और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए
आईपीसी की धारा 363 एवं चरणदास को ब्लैकमेल करने और जबरदस्ती पैसे उगाही के लिए उसे मजबूर करने के लिए आईपीसी की धारा 384 के तहत गिरफ्तार कर केस चलाया गया और उसमें उसे 7 साल की जेल और 1,00,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। ये सच है कि दहेज के लालच में आकर न जाने कितने ही लोग दानव बने हैं, न जाने कितने ही मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक आंकड़े के मुताबिक 2011 में दहेज के कारण 8,618 औरतों ने अपनी जान दी है। यही कारण है कि इस कुप्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है ताकि ऐसे करने वाले किसी भी शख्स को सख्त से सख्त सबक दिया जा सके। लेकिन अफसोस, त्यागी जैसे कुछ लोग इस कानून को अपना जरिया बनाकर अपनी लालच को साधने का काम कर जाते हैं। हमारे समाज की एक सामान्य मानसिकता है, हमें अक्सर यही लगता है कि लड़की के परिवार वालों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन त्यागी जैसे लोग इस मानसिकता का पूरा फायदा उठाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि लड़की का पिता भी दहेज मांग सकता है। जरा सोचिए, लालच इंसान को किस हद तक गिरा देती है। महज एक घर के लिए हरिओम त्यागी ने अपनी दोनों बेटियों के बसे बसाए घर को उजाड़ने की साजिश रच डाली। लेकिन साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच्चाई उसका सिरा तलाश ही लेती है। इस मामले में भी रेणुका ने पुलिस से मिलकर वो सिरा तलाश लिया। याद रखिए, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। शादी भरोसे के साथ जिंदगी के निर्वाह का मेल है, सौदा नहीं। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।